आज हमने आलू के पराठे में एक हेल्दी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है। ये बहुत ही टेस्टी और चटपटा बना है, आपको ये जरूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हेल्दी और टेस्टी आलू का पराठा बनाना। पराठे के लिए पहले हम आटा गूंथ लेते हैं। 2 कप हमने गेहूं का आटा लिया है। नमक अपने स्वाद के अनुसार डालना है, मैंने 3/4 टीस्पून नमक लिया है। नमक आटे में मिक्स कर लेंगे। 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे, तेल मिक्स कर लेंगे। 1/2 कप दूध लिया है, ये अंदर डालेंगे। दूध के बदले में आप 1 टेबलस्पून मलाई भी ले सकते हैं। दूध डालने से पराठे का कलर बहुत ही अच्छा सुनहरा आता है। दूध अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध के कप में ही हमने पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंद लेंगे। आटा हमने गूंथ लिया है, आटा हमें सॉफ्ट रखता है, पराठे का आटा सॉफ्ट ही रहना चाहिए। 1 कप में थोड़ा पानी रह गया है, लगभग 3/4 कप जितना पानी यूज किया है हमने। 1 टीस्पून तेल डाल के आटे को मसल लेंगे। दो मिनट आटे को अच्छे से मसलेंगे। आटे को हमने 2 मिनट मसल के एकदम स्मूथ बना लिया है, इतना सॉफ्ट हमें रखना है आटा। ढक्कन लगा के इसे 15 से 20 मिनट रेस्ट देंगे। 4 बड़े आलू को हमने बॉईल करके रखा है और ये ठंडा भी हो गया है। इसे अभी हम एक फोक से मैश कर लेंगे। आलू को अच्छे से मैश करना है, अंदर गुठलियां नहीं रहनी चाहिए। बाद में इसे चम्मच से इस तरह से मैश कर लेंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे ग्रेट करके डालेंगे। अदरक को आप चॉप करके भी ले सकते हैं। 3 लहसुन की कली ली है, इसे भी ग्रेट करके डालेंगे। लहसुन ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन लहसुन डालेंगे तो पराठे का टेस्ट अच्छा आएगा। 3 हरी मिर्ची को बारीक चॉप करके लिया है, हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 1 मीडियम प्याज, इसे भी बारीक चॉप करके लिया है। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून पंजाबी गरम मसाला, 1/2 कप हरा धनिया एकदम बारीक काट के लिया है। हरा धनिया को पहले पानी से धो के इसे कपड़े पे डाल के सुखा लेना है, इसके बाद इसे बारीक चॉप करके लेना है। इसे मिक्स कर लेंगे। 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून काला नमक। हमने जो हेल्दी इंग्रेडिएंट्स लिया है ये ओट्स का पाउडर है। 3 टेबलस्पून ओट्स को मिक्सर जार में डाल के पाउडर बनाया है, ये इसके अंदर डालेंगे। प्याज और हरा धनिया डाला है, वो पानी छोड़ेगा और स्टफिंग जो है वो लूज हो जाएगा, तो इसके वजह से पराठा जो है वो बराबर बनेगा नहीं। तो हमने ये ओट्स लिया है। ओट्स का पाउडर आपके पास नहीं है तो आप 3 टेबलस्पून पोहा को भी क्रश करके डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग को टेस्ट करके देख लेना है, अगर नमक अंदर कम है तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसे ढक्कन लगा के 5 मिनट रेस्ट देंगे ताकि ओट्स का पाउडर हमने डाला है वो सारा मॉइस्चर जो है वो सोख ले। आटे को थोड़ा मसल लेंगे, 1 बड़ी लोई बनाएंगे और इस तरह से इसे 1 वाटी का शेप देंगे। अगर हाथ में आटा चिपकता है तो आप सूखे आटे में इस तरह से उंगली डाल के इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से हमें वाटी बनानी है। इस तरह से वाटी जैसा बना के हमें उंगलियों के बीच में इस तरह से रखना है। स्टफिंग का बॉल बना लेंगे, जितना हमें स्टफिंग भरना है इतना बॉल बनाएंगे और इस तरह से बीच में रख देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे। स्टफिंग को इस तरह से दबाते जाएंगे और आटा इस तरह से ऊपर करेंगे, आप देख सकते हैं। ये ऊपर का आटा जो है वो हम निकाल लेंगे।
और इसका एक राउंड बॉल बना लेंगे। इस तरह से बॉल बना लेंगे और इसे सूखे आटे में लपेटेंगे और उंगलियों से थोड़ा इसे फ्लैट करेंगे। इस तरह से उलट पलट के इसे थोड़ा फ्लैट कर लेंगे, ऊपर से आटा थोड़ा निकाल के इसे एक चकले पे लेके इस तरह से फ्लैट करेंगे। इस तरह से फ्लैट करने से स्टफिंग अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा और हल्के हाथ से हम इसे बेलेंगे। बेलन को इस तरह से राउंड घुमा के पराठा बेलेंगे और एकदम हल्के हाथ से बेलना है, नहीं तो पराठा फट जाएगा और स्टफिंग बाहर आ जाएगा। बीच में हमें ज़्यादा बेलन नहीं लगाना है, इसकी किनारी पे ही हम ज़्यादा बेलेंगे। पराठा हमें ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, मीडियम पतला रखेंगे। आप देख सकते हैं पराठा कितने अच्छे से बेल गया है और स्टफिंग भी बाहर नहीं आया है। तवा को हमने गर्म करने के लिए रख दिया है, गर्म हो गया है। पराठा डाल देंगे, पहले इसे धीमी आंच पे ही सेकेंगे। 20 से 25 सेकंड के बाद इसे पलट लेंगे, फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। नीचे से थोड़ा गोल्डन डॉट्स आ जाए इसके बाद पराठे को पलट लेंगे। ऊपर घी लगा के सेकेंगे, आप चाहे तो तेल या बटर में भी सेक सकते हैं। और आप देख सकते हैं पराठा कितने अच्छे से फूल रहा है। इस तरह से दबा दबा के अलट पलट के इसे सेक लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के पराठे को भी सेक लेते हैं। पराठा स्टफ करने का दूसरा तरीका भी आपको बताती हूँ। लोई हमने बना ली है, सूखा आटा में लपेटेंगे, इसे थोड़ा बेल लेंगे, स्टफिंग रखेंगे ऊपर, ऊपर थोड़ा सूखा आटा लगा लेंगे इस तरह से। पराठा में स्टफिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा भर के बनाएंगे तो पराठा टेस्टी लगेगा। ऊपर से इस तरह से थोड़ा सूखा आटा लगा के इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे, जैसे कचौड़ी बनाते हैं उसी तरह से इसे करना है, और थोड़ा फ्लैट कर लेंगे, सूखा आटा में लपेटेंगे, हल्के हाथ से थोड़ा फ्लैट करके इसे बेलना है। वापस इसे सूखा आटे में लपेटेंगे और इस बार इसे उल्टा करके बेलेंगे। इस तरह से मीडियम पतला पराठा बेलना है, इसे भी तवे पे डाल के सेक लेंगे। आलू का पराठा हमने दही के साथ सर्व किया है, ये बहुत ही टेस्टी और चटपटा बना है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले और एक वीडियो के साथ।